स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आज का सेशन जो डेडिकेटेड है वो हमारा क्लोज टेस्ट को डेडिकेटेड है। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के। तो सबसे पहले एक स्टेप सीखते हैं। देखो क्लोज टेस्ट होता क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है, कभी कभार दो तीन पैराग्राफ साथ में दिए गए होते हैं, उनमें बीच बीच में ब्लैंक्स होते हैं, आपको बताना होता है किस ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा, उसको हम बोलते हैं क्लोज टेस्ट। अब सबसे पहला स्टेप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लैंक्स पे चले जाते हैं और उनको फिल करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी क्लोज टेस्ट को करने का, एंड दैट इज वो क्या होता है, वो होता है स्किम द पैसेज। आपको जो पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है, आपको जो पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले आप उसकी स्किमिंग करोगे। अब मैम स्किमिंग क्या होती है, अब स्किमिंग क्या साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, नॉइज आ रहा है, एक मिनट दीजिए। इज द साउंड ओके नाउ, वॉइस इंटरप्शन हो रहा है, मैं भी सुन लूँ एक बार कैसा इंटरप्शन हो रहा है। अब आवाज नॉइज आ रहा है, एक मिनट दीजिए। इज द साउंड ओके नाउ, अब ठीक है आवाज, इज द साउंड ओके नाउ, ठीक है, नहीं ठीक है, वॉइस इंटरप्शन हो रहा है, मैं भी सुन लूँ एक बार कैसा इंटरप्शन हो रहा है, ठीक हो गई है ना, चलो। हाँ तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब भी हम किसी पैसेज को सॉल्व करते हैं, जब भी हम किसी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं, द वेरी 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 फर्स्ट स्टेप इज स्किम द पैसेज। और आपको कितना टाइम देना होता है इस स्किमिंग में, मिनिमम से मिनिमम एक मिनट, मैक्सिमम से मैक्सिमम डेढ़ मिनट, इससे ऊपर का टाइम आपको नहीं देना है। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, स्किमिंग का मतलब होता है कि आप ओवरऑल पैसेज को पढ़ के ऊपर ऊपर से ये समझ रहे हो कि वो पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। तो स्किमिंग क्या होती है, आप ओवरऑल समझने की कोशिश कर रहे हो कि ऑथर जो है क्या बात कर रहे हैं, ऑथर की टोन पॉजिटिव है, ऑथर किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं या ऑथर किसी चीज़ की बुराई कर रहे हैं, ऑथर किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ द टॉपिक, ऑथर क्या बात कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर, ये सारी की सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऊपर ऊपर से पैसेज को पढ़ा और ये समझा कि तारीफ हो रही है या बुराई हो रही है या दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, किस टॉपिक पे बात हो रही है और क्या बात हो रही है, ये पाँच चीज़ें हमने समझी। उसके बाद जब हमने स्किमिंग कर ली, हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हमारा अगला स्टेप होता है क्वेश्चंस पे जाना। हमने एक एक करके क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट किया। अब क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट किया तो सब कहते हैं कि क्लोज टेस्ट वोकैबुलरी का खेल है, बिल्कुल सही बात है भाई। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी है तो क्लोज टेस्ट ईजी है, वोकैबुलरी डिफिकल्ट है तो क्लोज टेस्ट मुश्किल है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें और हैं जो हमें क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा बेटा आज कर लो मैनेज, मुझे पता है साउंड का इशू आ रहा है, मैं ना अभी क्लास मैं अभी देखूंगी ना तो क्लास नहीं हो पाएगी, इसीलिए रिक्वेस्ट है सभी लोगों से थोड़ा सा मैनेज कर लो साउंड का इशू, फिर उसके बाद आई विल ट्राई कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। पहला मेथड क्या है, वोकैबुलरी के अलावा द फर्स्ट मेथड इज पार्ट ऑफ स्पीच मेथड, समझते हैं। आपको एक क्लोज टेस्ट दिया गया था, उसमें TO2 लिखा हुआ था, आपने उस लाइन को पढ़ा, आपको क्या समझ में आया कि वहाँ पर एक वर्ब आएगा, आपने ऑप्शंस को देखा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है नहीं, आपको मीनिंग नहीं पता था, लेकिन आपको इतना पता था एक वर्ड जैसे दे रखा था डेक्स्ट्रस, एक वर्ड दे रखा था इमैंसिपेशन, एक वर्ड दे रखा था लिबरेट,
फोर्थ वर्ड दे रखा था कैलस और फिफ्थ वर्ड दे रखा था नन. ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए हुए थे. मेथड को समझना बेटा. अब आपको नहीं पता कि क्या आएगा, आपको किसी वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मुझे इतना पता है लेकिन कि जिस शब्द के लास्ट में ओ यू एस आता है वो वर्ड एडजेक्टिव होता है ना. जिस वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आता है वो वर्ड नाउन होता है. जिस ये मुझे वर्ब लग रहा है, लिबरेट करना मतलब किसी को फ्री करना. कैलस लास्ट में ओ यू एस आ रहा है, एडजेक्टिव लग रहा है. तो मुझे ऐसे कुछ कुछ समझ में आया कि हो सकता है यहाँ पे सी आए या फिर ई आए, ई भी आ सकता है. फिर मैंने पिछले वाले सेंटेंस से लिंक करके कोशिश करी कि क्या ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, सी लग रहा है या ई लग रहा है. उसके बेसिस पे मैंने आंसर को मार्क करने की कोशिश करी. तो बहुत बार क्या होता है, क्लोज टेस्ट में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हेल्प करते हैं. सो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. क्लियर. दूसरा मेथड क्या होता है वोकैबुलरी के अलावा, वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर. आप ग्रामर की हेल्प से भी कर सकते हो, जैसे वो पार्ट ऑफ स्पीच ही हो गया. फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ में आ रहा है कि वहां पे डेडिकेटेड टू लिखा हुआ था और यहाँ पे किसी एक्शन की बात हो रही, तो आपको समझ में आ रहा है कि वी वन प्लस आई एन जी आएगा. आपको ग्रामर के हिसाब से समझ में आ रहा है कि वी वन प्लस आई एन जी आएगा. अब मुझे वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है, बट मुझे कुछ ऐसे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें वी वन प्लस आई एन जी यूज हो रखा है, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि इन दोनों में वी वन प्लस आई एन जी यूज हो रखा है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा. इनमें से एक का भी मीनिंग पता है तो मेरा काम चल जाएगा. तो हमें ग्रामर भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करती है, हमें थोड़ा थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच भी हेल्प करता है. और तीसरी चीज़ हमें क्या हेल्प करती है, तीसरी चीज़ हमें जो हेल्प करती है वो होती है टोन. मैंने आपको पैसेज स्किम क्यों करवाया था, मैंने आपको पैसेज स्किम इसीलिए करवाया था, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए करवाया था कि ऑथर बुराई कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं. आपको पता चला कि पूरे पैसेज में ऑथर ने फॉर एग्जाम्पल बुराई करी है, तो आपके पास एक सेंटेंस आया आई डैश इट, ए में लिखा हुआ था ट्रस्ट, बी में लिखा हुआ था डाउट, सी में लिखा हुआ था और कोई वर्ड था, डी में कोई वर्ड लिखा हुआ था, ई में कोई वर्ड लिखा हुआ था. आपको पता था कि ऑथर ने पूरे पैसेज में बुराई करी है, और आपको थोड़ा बहुत ये भी आइडिया था कि जो मैला रूट वर्ड होता है वो नेगेटिव होता है, जो इन होता है, अन होता है, डिस होता है, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड्स होते हैं. तो आपको शब्दों की टोन पता थी, आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता था, बट आपको पता था कि कहीं ना कहीं वर्ड की टोन ऐसी है. तो टोन की हेल्प से भी बहुत बार हम आंसर दे देते हैं क्लोज टेस्ट में. ये सारे रास्ते मैं आपको कब बता रही हूँ, जब वोकैबुलरी ना पता हो. वोकैबुलरी पता है तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं, लेकिन अगर वोकैबुलरी नहीं पता है तो बहुत बार गेस करने में ये सारे के सारे ट्रिक्स, छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी सी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं. समझ आया. अब क्लोज पैसेज है तो उसकी कोई थ्योरी नहीं है, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा. तो आज हम क्या करेंगे, टुडे वील प्रैक्टिस टू क्लोज टेस्ट. तो आज की क्लास में हम दो क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो एवरीबॉडी रेडी, सभी लोग रेडी हैं. एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों से, 2500 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग बट लाइक्स केवल 1000 हैं. तो जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया हुआ है, शेयर नहीं किया हुआ है, बस जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए. चलो अब आ जाते हैं क्लोज टेस्ट पे. तो पहला स्टेप क्या है हमारा, द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग दिस क्लोज टेस्ट इज स्किमिंग. चलो इसको स्किम करो. आपको मैं एक मिनट का टाइम दे रही हूँ, यू हैव एग्जैक्ट 1 मिनट टू स्किम इट, और मुझे बताओ किस टॉपिक की बात हो रही है. चलो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
एंड द टाइम इज ओवर, टाइम कंप्लीट हो चुका है. क्या समझ में आया इस पूरे के पूरे को पढ़ के? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? जिन बच्चों को स्किमिंग नहीं करनी आई, यहाँ पे देखो मेरे साथ मैंने कैसे स्किमिंग करी. लुक एट इट, बिल्स आ रखे हैं पावर सेक्टर में. ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोली, सबको बोला कि भाई हेल्प करो. ये जो रिटेलर्स हैं जिनको वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इनको बहुत लॉस हो रहा है. इतने का लॉस हो चुका है, लॉसेस की बात हो रही है. इसकी वजह से इतना पैसे का भी पेमेंट बाकी है, इसकी वजह से रिसोर्सेज भी नहीं हैं. डिस्ट्रीब्यूटर्स सबसे वीकेस्ट लिंक है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं सप्लायर्स, प्रोजेक्ट लेंडर्स सबको. इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है इन्हीं के द्वारा बेची जाती है और टाइम पर जो पेमेंट नहीं होता, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. तो मैंने पूरे पैसेज को जब स्किम किया तो मुझे क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि ओवरऑल जो पैराग्राफ की टोन है वो कैसी है. ओवरऑल पैराग्राफ की टोन नेगेटिव है. हमने प्रॉब्लम्स की बात की है, हमने बताया है कि दिक्कतें हैं पेमेंट में, पेमेंट सिस्टम ख़राब है जिसकी वजह से और आगे प्रॉब्लम्स होती हैं. इतना मुझे समझना था स्किम करके. कितने लोग इतना समझ पाए थे स्किमिंग के बाद? हाउ मैनी ऑफ यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच? आई होप मैनी ऑफ यू, बहुत सारे बच्चे समझ पाए थे इतना. चलो वेरी गुड. अब अगला स्टेप क्या है इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का? हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे. वी लुक एट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. टाइमर तो अभी तक चल रहा है, बंद कर दिया. चलो चलो पहला सवाल. मुझे खुद से कोशिश करो आंसर देने की, मैं नहीं बताऊंगी आंसर, आप खुद से बताओगे. अ ग्रोइंग पाइल ऑफ, पाइल मीन्स ढेर. कैसे बिल्स का ढेर है, किस तरह के बिल्स का ढेर लग गया है? अनपेड आउटस्टैंडिंग ओवरड्यू, तीनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अनपेड है कोई चीज, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतना है आपका, आपका ओवरड्यू अमाउंट इतना है, आपका अनपेड अमाउंट इतना है, मतलब समथिंग विच इज नॉट पेड, कोई ऐसी चीज जो अभी तक पे नहीं हुई है. तीनों के तीनों वर्ड्स आपस में क्या है? तीनों के तीनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं. दैट मीन्स आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी. एक बार पार्ट ऑफ स्पीच भी समझते हुए चले. ये बिल्स क्या है? नाउन है. तो नाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव. तो यहाँ पे क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा. और ये तीनों के तीनों वर्ड्स क्या है? ये तीनों के तीनों वर्ड्स एडजेक्टिव. All of them are adjectives. चलो next question. Answer बताइए. थर्टी seconds का time है आपके पास. प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या बोलेंगे, स्टेट्स को क्या रिक्वेस्ट करेंगे? बहुत सारा पेमेंट करना है तो स्टेट्स को किस चीज़ की रिक्वेस्ट की जाएगी? भाई क्लियर करो पेमेंट को. क्या करो? पेमेंट को क्लियर करो, पैसा दो उनका. तो क्लियर अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग क्या है? रिलीज करना. पेमेंट को क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या किया? रिक्वेस्ट किया. गम अप का मतलब होता है अपने पास कर रख लेना, मतलब ब्लॉक कर देना. ब्लॉक करने के लिए नहीं बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किसके लिए बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर रिलीज करने के लिए बोलेंगे. स्टॉप अप का तो मतलब होता है किसी को रोकना, स्टॉप करना, ब्लॉक करना, अगेन किसी को रोकना, रिफ्रेन करना, प्रिवेंट करना, किसी काम को करने से प्रिवेंट करना. तो ये भी नहीं हो सकता. आंसर इज व्हाट? ओनली ए. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. कितने लोगों के ठीक निकल रहे हैं आंसर्स? वो क्या बोल रहे हैं कि क्या क्लियर करो भाई, क्या क्लियर करो? जो तुम्हारा पेंडिंग पेमेंट है उसको क्लियर करो, जो तुम्हारा पेंडिंग पेमेंट है उसको क्लियर करो, जो तुम्हारे अरियर्स हैं, जो तुम्हारे ड्यूज हैं, जो तुम्हारा डेट है, मींस पेमेंट जो पे करना है,
पेमेंट जो करना है टू बी डन, अभी तक हुआ नहीं है, तो जितना भी पेमेंट तुम्हें करना है उसको क्लियर करो जिससे कि पावर सिस्टम मॉडर्नाइज हो सके। तीनों के तीनों आंसर्स ऑल ए बी एंड सी। नेक्स्ट वन, किसी को लॉस होगा तो वो क्या होगा, परेशान होगा या फ्री हो जाएगा? साउथ एशिया के जो रिटेलर्स हैं, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा चलाए जाते हैं, वो क्या है, परेशान है भाई नुकसान से, परेशान है, बर्डन बीसेट, इसका मीनिंग क्या होता है, बोझ है उनके ऊपर, वो क्या है, परेशान है, वरिड है, परेशानी में है। इमैंसिपेट का मतलब क्या होता है, इमैंसिपेट का मतलब होता है जा, आज मैं तुझे फ्री करता हूँ, मुक्त करता हूँ। ब्रेकअप के बाद इंसान क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है उस रिश्ते से। इमैंसिपेटेड मींस लिबरेटेड, फ्री होना, सेट फ्री, किसी को फ्रीडम कर दे, फ्री कर देना। तो नुकसान से फ्री नहीं हुए, नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। तो आंसर इज व्हाट, ए एंड बी, राइट। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। वो किस चीज़ से परेशान है, वो इस चीज़ से परेशान है कि उनकी सरकार ने इतनी सस्ती बिजली दे रखी है। हमारी कंपनीज का क्या होगा, सरकार ने इतनी सस्ती बिजली दे रखी है, सस्ती, चीपर, मोर कट रेट मींस नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, वेरी चीप, बहुत ज़्यादा सस्ती। स्टीपर का तो मतलब होता है हद से ज़्यादा, एक्सेसिव, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टीपर क्या होता है, इस तरह का कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही स्लोप में होती है उसको बोलते हैं स्टीप। तो स्टीप का तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। तो आंसर इज़ व्हाट, ओनली बी एंड सी, स्टीपर। तो किस बात से परेशान है कि सरकार ने इतनी सस्ती बिजली दे रखी है कुछ कंज्यूमर्स को, ऐसा उन्होंने एक इवेंट पे बोला। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकला, उन यूटिलिटीज़ ने, उन कंपनीज ने क्या किया, इतना सारा पैसा क्या किया, इकट्ठा हो गया, इतना सारा पैसा लोन में जाने के लिए तैयार है, ओवर ड्यू पेमेंट है, रैग्ड अप, एक्यूमुलेटेड, चॉक्ड अप, सबका मीनिंग क्या होता है, इकट्ठा कर लेना, एक्यूमुलेट कर लेना, तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो इतना सारा पैसा हो चुका है जो ओवर ड्यू पेमेंट है, मतलब वो देना है। सारे ही तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी। नेक्स्ट, विद एडिक्वेट रिसोर्सेज, क्या लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा पैसा है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास पैसा ही नहीं है अपने नेटवर्क में क्या करने के लिए, अपने नेटवर्क को ओवरहॉल करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, मतलब
अपने नेटवर्क को चेंज कर लाने के लिए, उसमें ब्रिंग चेंजेस इनटू समथिंग। किसी चीज को रेनोवेट करना, ओवरहॉल करने का मतलब क्या होता है, चेंजेस लेके आना, किसी चीज को रिपेयर करना। तो जो दिक्कतें हैं उनको ठीक करने के लिए पैसा ही नहीं है। आउटस्ट्रिप का तो मतलब होता है किसी को ओवरटेक कर जाना, किसी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाना, उसको क्या बोलते हैं, आउटस्ट्रिप करना। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, ए एंड बी, राइट। आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे इस क्लोज टेस्ट में, है ना, आउट ऑफ 10 आपका क्या क्या स्कोर रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल सभी के लिए। द फिनेंशियली डैश डिस्ट्रीब्यूटर्स, कैसे परेशान फिनेंशियली, जो इतने ज़्यादा परेशान है, मतलब एकदम निचोड़ लिया गया है उनको, मतलब बिल्कुल परेशान है। तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है, स्क्वीज्ड, क्रैम्प्ड, स्ट्रेन्ड, मीन्स किसी को एकदम परेशान कर देना। तो यहाँ पे क्या हो गया, द फिनेंशियली वरीड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बेचारे परेशान हैं, वो सबसे वीकेस्ट लिंक है हमारी इस इंडस्ट्री में। ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस क्लोज टेस्ट का, अगला बताइए। कॉजिंग डिस्ट्रेस, इसकी वजह से दिक्कत होती है, जो क्या करता है, मैंने टाइमर नहीं दिया आपको। कॉजिंग डिस्ट्रेस दैट, तीनों ही वर्ब है, ट्रिकल और एक्स्यूड, इसका मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ऊपर से नीचे आना। ट्रिकल और एक्स्यूड का मीनिंग क्या होता है, ऊपर से नीचे आना। तो पूरी चेन में ट्रिकल करता है, मतलब पूरी चेन में क्या करता है, फ्लो करता है, पूरी चेन में मूव करता है। स्ट्रीम तो एक रिवर को बोलते हैं, एक तरीके से रिवर को, किसी चैनल को, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। तो स्ट्रीम तो नहीं हो सकता, ऊपर से नीचे आने को क्या बोलते हैं, ट्रिकल करना या एक्स्यूड करना। दैट मीन्स ए एंड सी। आखिरी सवाल इस क्लोज टेस्ट का, फिर अगला क्लोज टेस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को टोन से कर सकते हो बेटा, चलो ऐसे कर लो। 90% इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ये ऐसे ही बेची जाती है, और जो वो पेमेंट टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा है, पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा, तो कुछ खराब चीज है ये। पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो रहे हैं, रुक रहे हैं। That means impeding and holding up, इनका मीनिंग क्या होता है, पेमेंट्स को हिंडर कर रहा है। हिंडर का मतलब क्या होता है, रोक रहा है, पेमेंट्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, दोनों क्या है, नेगेटिव टोन है। फैसिलिटेटिंग का तो मतलब होता है हेल्प कर रहा है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं आ सकता। तो आंसर इज वॉट, ऑप्शन नंबर बी, ओनली ए एंड सी। क्या क्या स्कोर रहा सबका इस क्लोज टेस्ट में, 3000 बच्चे देख रहे हैं, मुझे 3000 बच्चों का स्कोर चाहिए। आई वॉन्ट एवरीबडीज स्कोर्स, क्या क्या स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट, इस क्लोज टेस्ट में, एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्लोज टेस्ट, तैयार हैं सभी लोग, चलो सबसे पहले स्किमिंग कीजिए, स्किम द पैसेज एवरीवन। किस बारे में बात हो रही है वो भी बताइए। What is the author talking of? हाँ, जिन लोगों को स्किमिंग करनी नहीं आ रही, ध्यान से देखो स्किमिंग कैसे करी, बस ऊपर ऊपर से पढ़ा। कैसे पढ़ा, जो मेडलिस्ट हैं मीराबाई चानू, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इतना किया था उन्होंने, सिल्वर इनके पास गया था, पहला अटेम्प्ट उनका ये था, वो नहीं कर पाई लेकिन फिर भी इतना कर लिया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हर इंडियन उनसे प्राउड है। तो मतलब क्या समझ में आया,
ये समझ में आया कि हमारे एथलीट मीराबाई चानू की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग ऑफ हर, और अच्छी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव टोन है। ऑथर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ऑथर ने बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो ओवरऑल टोन कैसी है? ओवरऑल टोन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन, ओलंपिक मेडलिस्ट एंड टोन पॉजिटिव थी, एक पॉजिटिव वर्ड आएगा, एस वर्च्यूसो, इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, दोनों ही पॉजिटिव शब्द है। अमेटियोरिश का मीनिंग होता है ठीक ठाक, नेगेटिव शब्द है, मीडियोकर, एवरेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज ना होना, तो ये तो नहीं आ सकता। तो आंसर इज ए एंड बी। तो जो ओलंपिक मेडलिस्ट और एक्सेलेंट वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, आगे एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों से, जितने भी नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे, और जैसे जैसे आप लाइक करते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं, बताते भी जाइए। चलो क्या है मीराबाई चानू? उन्होंने इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल विन किया, कैरी ऑफ किया, सिक्योर किया, मतलब जीता। इवेड का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, एस्केप फ्रॉम, तो ये तो नहीं हो सकता, छुटकारा पाना, उन्होंने जीता है, इसका मतलब आंसर इज व्हाट? बी एंड सी, उन्होंने मेडल जीत लिया, बी एंड सी। नेक्स्ट वन, शी डॉग्ड, डॉग का तो मीनिंग होता है किसी चीज़ को ज्वाइन करना, तो ज्वाइन तो नहीं किया भाई। एग्रीगेट करने का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, मतलब उन्होंने टोटल इतना वेट एक्यूमुलेट कर लिया। एक्यूमुलेट करने का मतलब क्या होता है? इतना टोटल वेट उन्होंने 201 kg, इतना और इतना उन्होंने अपने उसके ऊपर ले लिया। एब्स्ट्रैक्ट का तो मीनिंग होता है किसी चीज़ को थ्योरेटिकली कंसिडर करना, कंसिडर समथिंग इन अ थ्योरेटिकल मैनर, प्रैक्टिकल ना करना, थ्योरेटिकल करना, तो ये भी नहीं आ सकता। आंसर क्या हो गया? आंसर इज सिर्फ और सिर्फ बी आ सकता है, ओनली बी। नेक्स्ट, उन्होंने 201 kg टोटल अपने ऊपर ले लिया, टू किस चीज को करने के लिए? टू इंस्क्राइब करना किसी चीज के ऊपर, स्टैंप लगाना, एम्बॉस करना, मतलब थप्पा लगाना। थप्पे लगाने का मतलब क्या है? किसी को क्लियर करना, टू मेक समथिंग विजिबल। तीनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं, तीनों शब्द का मीनिंग क्या है? किसी चीज को विजिबल बनाना। तो उन्होंने थप्पा लगाने के लिए, अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए लोगों को कॉम्पिटिशन में, उन्होंने ये किया, और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी प्रोसेस में जीता। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन,
उनका जो पहला अटेम्प्ट था वो कैसा था? कंफर्टेबल था, स्नग था, सिक्योर था, तीनों का मीनिंग सेम है भाई। तीनों का मीनिंग क्या होता है? रिलैक्स्ड थी वो, बहुत बहुत कंफर्टेबल थी। पहली बार में जब 88 केजी उन्होंने उठाया तो बड़ी कंफर्टेबल सी थी वो, कोई दिक्कत नहीं थी। तीनों का मीनिंग सेम है तो ऑल, सॉरी ऑप्शन नंबर ई इज़ द आंसर, ऑल ए बी एन सी। शी वॉज वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल थी 88 केजी उठाने से पहले सेकेंड में, फिर 90 केजी उन्होंने थर्ड और फाइनल अटेम्प्ट के लिए रखा। चलो आगे, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, डोंट वरी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। अभी क्वेश्चंस पे फोकस करो, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सभी को, तो पीडीएफ की टेंशन मत लो, प्रॉपर सॉल्वड मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर तक लिखा हुआ होगा, सोल्यूशन तक लिखा हुआ होगा, डोंट वरी। तो शी वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड अ न्यू, अपना खुद का बेस्ट नहीं दे पाई वो, पर्सनल इंडिविजुअल जनरल तो सबका होता है, सबका बेस्ट वो क्यों देंगे भाई, अपना बेस्ट देगा इंसान। तो आंसर इज ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए, कि वो अपना बेस्ट नहीं दे पाई, फिर भी वो एक क्या हुआ। आगे, अपना बेस्ट नहीं दे पाई लेकिन फिर भी क्या हुआ, एडवांटेज, अपर हैंड, एज, राइट। तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, उनको फायदा मिल गया, एडवांटेज मिल गया, अपर हैंड, एज, क्लीन एंड जर्क में चले गए, 12 केजी का एडवांटेज मिला उन्हें रनाए वसोवा के ऊपर। सबका मीनिंग सेम है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 20 सेकेंड्स हैं आपके पास, ये इजी है। उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला कि जो एक्सेप्शनल मीराबाई चानू है, उन्होंने इंडिया को क्या बनाया है, प्राउड फील करवाया है भाई, मेक्स इंडिया प्राउड वंस अगेन, ओवरजॉयड, ग्रेटिफाइड मींस बहुत खुश करवाया है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, प्राउड फीलिंग दी है इंडिया को भाई, सैटिस्फाई किया है। अबैश का तो मीनिंग होता है किसी को शर्मिंदा कर देना, अबैश तो बिल्कुल ही उल्टा है, इसका मीनिंग क्या होता है, अशेम्ड, व्हाट इज द मीनिंग, अशेम्ड, शर्मिंदा कर देना, शर्मिंदा नहीं किया उन्होंने इंडिया को भी, सी तो नेगेटिव टोन है, आंसर इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर इंडियन क्या है भाई इस बात से, पूरे पैसेज की टोन पॉजिटिव थी, उनके इस अचीवमेंट से हर इंडियन क्या है। उनके इस अचीवमेंट से हर इंडियन खुश है भाई, एनरैप्चर्ड, यूफोरिक, ग्लीफुल, मींस एवरी इंडियन इज हैप्पी कि उन्होंने गोल्ड जीता और एक नया रिकॉर्ड सेट किया, इससे हर इंडियन खुश है। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, 20 सेकेंड है, उनकी जो सक्सेस है बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर करती है, स्पेशली कौन से एथलीट्स को, बडिंग जो ग्रो कर रहे हैं, एस्पायरिंग जो डिजायर कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, बर्जियनिंग जो बढ़ रहे हैं, तीनों एथलीट्स को, बढ़ते हुए एथलीट्स के नंबर को, एस्पायर करते हुए, डिजायर करते हुए, ग्रो करते हुए, सारे एथलीट्स को वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी।